मैंने लिया है 500 ग्राम पोर्क जो मैंने 10 मिनट बॉईल कर लिया है, 1 अनियन, 1 कैप्सिकम, 1 टमेटो, 1 गार्लिक जो मैंने छोटे पीसेस पे काट लिया है, 5 ग्रीन चिली, थोड़ी सी अदरक। अब कढ़ाई हीट होने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है मस्टर्ड ऑयल। अभी मस्टर्ड ऑयल हीट हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे डालूँगी अनियन। अनियन को थोड़े से फ्राई होने दूँगी, अनियन फ्राई होने दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी गार्लिक और अदरक और ग्रीन चिली जो मैंने 5 ग्रीन चिली लिया था, अभी उसको दे रही हूँ। अभी इसको अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक फ्राई करूँगी। अभी 1 मिनट होने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी 1 कैप्सिकम। कैप्सिकम देने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी टोमेटो। अभी टोमेटो डालने के बाद मैं सबको अच्छे से मिक्स करके 3 मिनट तक पकने दूँगी। देखिए मैं यहाँ पे सबको मिक्स करके 3 मिनट तक पकने दूँगी। अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, 1 टेबल स्पून रेड चिली और 1 चम्मच सॉल्ट। अभी मैं सबको मिक्स करके थोड़ी देर पकने दूँगी। अभी देखिए ये कलर चेंज हो गया है। अभी कलर चेंज होने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी बॉयल पोर्क जो मैंने पहले से ही बॉयल करके रख लिया है। ये देखिए मैंने बॉयल पोर्क डाला। अभी बॉयल पोर्क और जो मेरा मसाला है इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब देखिए अच्छे से मिक्स हो रहा है। अभी इसको भी मैं 3 मिनट तक पकने दूँगी। अब देखिए 3 मिनट होने के बाद कलर कैसा हो रहा है। अभी इस पर मैं डाल दिया धनिया पत्ता। धनिया पत्ता को थोड़े से मिक्स होने के बाद मेरा रेसिपी अभी कंप्लीट हो चुका है। अगर मेरा ये सिंपल सा रेसिपी आप सब लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैं इन सबको एक्स्ट्रा बाउल पर रख लूँगी। अब देखिए अब आप लोग देखिए एक्स्ट्रा बाउल पे मैंने रखा है।